पहुंच गए हम लोग पिच, और एकदम सख्त पिच है क्योंकि एशिया बढ़िया कर रहा है, क्योंकि यूएस से बहुत बढ़िया 1.5% तीनों बेंचमार्क्स में उछाल के हैंडओवर हमें मिला है। ये बाकी इतनी सख्त है जितनी दिख रही है क्या? यूएस की तो है, अपनी भी है, पता नहीं अपनी तो आपने हैंडओवर अच्छा मिल रहा है, ऐसा हैंडओवर बहुत अच्छा मिल रहा है वहाँ पे। हालांकि वो लोग क्यों, जब वो फेड वाले चाचा आके बोले कि हम तो नहीं बढ़ाएंगे, हम टेंशन में, थोड़ा सा इंफ्लेशन लेकर, फेड वाले एकदम से भूल जाते हैं ये लोग। फेड वाले चाचा की वक्त अभी समय कम, गंजी टाइप हरकत करते हैं तो फिर एकदम से एक दिन याद आएगा। और जब तक कोई चाचा बम नहीं फोड़ेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी उनके हल्के फुल्के डायलॉग मतलब ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जून की बड़ी कोई बात ही नहीं कर रहा है। सीधा रूल है यार, पैसे बन रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो महंगाई पता नहीं चल रही है। जिस दिन तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, नौकरी नहीं मिलेगी, उस दिन महंगाई पता चलेगी। इसलिए यूएस में कोई चिंता नहीं, अब तो जून की कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है, अब सब मस्त है अपने बायबैक में कंपनियों के रिजल्ट में, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल टेक्नोलॉजी शेयर्स ने खींच दिया यार, 110 बिलियन डॉलर का बायबैक। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने बड़ी बड़ी कंपनियों का मार्केट कैप नहीं होता इतना जितने का बायबैक कर रहे हैं वो। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिच पे है यूएस मार्केट, वहाँ कोई दिक्कत नहीं दिख रही है क्योंकि जब इतना बड़ा बायबैक कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड था कि एप्पल का रिजल्ट ख़राब होने चाहिए, उसके रिजल्ट भी ठीक आए हैं, तो फिर आप सोचिए मार्केट में बढ़िया तेज़ी है। तो मुझे लगता पिच में कोई शिकायत नहीं है, अपने आप ही पिच अच्छी है, अपने आप ही तो रिजल्ट। कल कौन है, शाम के बाद आए कुछ छोटे मोटे वाली कंपनीज के, ठीक है बट ठीक ठाक ओके कुछ हैं उसमें से एक अच्छा, तो वैसे मेरा भी है कोल इंडिया, लेकिन अब उम्मीद पर कितना खरा उतरा है वो सवाल है। पर मुझे अच्छा लगा, मैं ग्रीन ही लेके चलता हूँ। अब थोड़ा बहुत किसी को डिसअपॉइंटमेंट तो बात अलग है, साल दर साल आए फ्लैट है, मेरे ख्याल से 1-2% के आसपास का दबाव होगा, और उसके नीचे ऑपरेशनली परफॉर्मेंस, वैसे एज एक्सपेक्टेड कहना चाहिए, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस अच्छा है। एबिटा 21.5% साल दर साल जम, जब आए फ्लैट है। मार्जिन 24.5% के बढ़ के 30.3% पे, यानी कि 550 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, बढ़त है, और मुनाफा इसीलिए 26% का जंप दिखा रहा है। तो ऑपरेशनली अच्छी परफॉर्मेंस है, ₹5 का डिविडेंड डोल आउट भी और कर दिया कोल इंडिया। और एंटी ESG थीम तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे ONGC के लिए रिपोर्ट्स आनी है क्या बुलिश, और वो स्टॉक क्या कर रहा है, वो कोल इंडिया भी कहाँ पहुँच गया, अभी तो बहुत एंजॉय करने का टाइम है इस एंटी ESG थीम को। मुझे लगता है कोल इंडिया रेडार पर रखना चाहिए। अब वो स्टॉक की चाल वगैरह, प्री पोजिशनिंग और बाजार की एक्सपेक्टेशन से बहुत हद तक डिपेंडेंट होगी, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, ग्रीन रख के चलता हूँ आज की ट्रेडिंग सेशन में। वैसे भी जो भी स्टॉक मेंशन कर रहा हूँ, ये सिर्फ खबर के चलते लाल हरे हैं, नॉट नेसेसरली स्टॉक की चाल के लिहाज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अजंता फार्मा अगला स्टॉक है। नंबर्स मेरे लिए तो हाईलाइट नंबर्स ही हैं, बायबैक अवैक ठीक है अपनी जगह, मूड माहौल ठीक करता है, लेकिन अजंता फार्मा के नंबर्स हर पैरामीटर पे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। आए 20% बढ़ी, स्ट्रीट एस्टिमेट्स से अच्छी ग्रोथ आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से 15-17% के बीच थे। एबिटा में बढ़िया जंप है, 150 करोड़ का बढ़ के 278 करोड़ रुपीस पे एबिटा पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि 86% एबिटा इंप्रूवमेंट। इंपैक्ट क्या पड़ा, मार्जिन्स तगड़ा एक्सपेंशन डिलीवर कर गए, 16.9 वाले 26.4, बेसिकली 17 वाला कह लीजिए 26.5 हो गया, इस तरह से मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर करके दिया है। और मुनाफा भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट, 66% के आसपास का जंप है। तो ये तीनों ये सारे नंबर्स जो मैं मेंशन कर रहा हूँ लार्जली स्ट्रीट एस्टिमेट पे खरे या उससे बेहतर नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया सेल्स 31% कुल आय का 31% इंडिया से आता है, बढ़िया 14% की ग्रोथ वहां पे। यूएस जेनरिक्स में बढ़िया 32% की ग्रोथ है, इवन अफ्रीका से अच्छे खासी ग्रोथ डिलीवर कर रही है। तो हर पॉकेट, हर ज्योग्राफी इनके लिए अच्छा कर गई। और दूसरी अच्छी बात यह है कि वो बायबैक की बोर्ड मीट थी और अनाउंसमेंट आ गया है, 285 करोड़ रुपए खर्च करेंगे बायबैक पे, 2770 रुपए पे ये बायबैक होगा, तो मौजूदा भाव से अच्छा खासा प्रीमियम है। पर ठीक है, आउटस्टैंडिंग इक्विटी का छोटा सा पार्ट बायबैक होता है, जिसने मैंने कहा था रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायबैक एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ये नेट अजंता फार्मा को आज के ट्रेडिंग सेशन में हरा रख के चलते।
फिर लेकर आइए तीसरा। पहले मैंने सब नतीजे रखे, उसके बाद इधर उधर भटकूंगा, मतलब अलग अलग डेवलपमेंट पे जाऊंगा। एस्टेक लाइफ साइंसेस, अच्छे नंबर्स लग रहे हैं। साल दर साल देखते हैं अपन, आय 21% का इंप्रूवमेंट डिलीवर कर गई। उसके बाद हाईलाइट इसकी भी, आय तो अच्छी है ही है, हाईलाइट इसकी भी बेहतरीन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। 5.5 करोड़ का एबिटा बढ़ के 13.25 करोड़ पे, इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिन्स में बहुत तगड़ा एक्सपेंशन। 4.3% मार्जिन्स थे जो बढ़ के 8.2 हो गए, मार्जिन्स ऑलमोस्ट डबल होते हुए इस कंपनी के। और घाटा अभी भी है, घाटा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होकर एकदम 93 लाख के आसपास हो गया है, तो पहले 5 करोड़ का था। तो ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, इसीलिए एस्टेक लाइफ साइंसेस को ग्रीन रखता हूँ। 3 रिजल्ट्स हैं, तीनों हरियाली वाले। ओके, मेरे भी तीनों हरियाली वाले। यूग्रो कैपिटल पहला स्टॉक है, ये भी भाई हरियाली वाला, नतीजे बढ़िया इन्होंने दिए हैं, पसंद आए लोगों को, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि खर्चे भी बढ़ाए इन्होंने, लेकिन एक्सपेंड किया तो उसका असर भी इनको देखने को मिला। 63 करोड़ रुपये की आमदनी इन्होंने दिखाई, क्वार्टर क्वार्टर भी बढ़ के आया है, क्वार्टर क्वार्टर हल्का स्लाइड नीचे है, लेकिन ईयरली बेसिस 25% की ग्रोथ है। दूसरा स्टॉक है ब्लू स्टार, ये तो वो एसी वाली कंपनी है, एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर इन्होंने पेश किए हैं। 3300 करोड़ का रेवेन्यू, 242 करोड़ का एबिटा है, 35% की ग्रोथ एबिटा में, 26% की रेवेन्यू ग्रोथ है। हालांकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गर्मी जो पड़ रही है यार, मुंबई में कल बहुत गर्मी थी यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हीट वेव, हीट वेव पहले गई तो हीट वेव चलो खत्म हो गई, फिर बोले फिर हीट वेव आ गई, गर्मी खत्म ही नहीं हो रही मुंबई। आप अपने घर के अंदर महसूस कर सकते हैं, छुट्टी के दिन आपको एक कमरे से दूसरे कमरे जाओ आप, 10 डिग्री का डिफरेंस, 10 डिग्री का डिफरेंस तुरंत। तो बहुत गर्मी, कल हैवेल्स में बात कर रहा था, अनिल राय जी बता रहे थे कि लॉयड पूरा रिवाइव हो गया उनका, वो लॉयड उसी पे नजर थी सबकी, वो बिल्कुल जब से एक्विजिशन करा था हैवेल्स की वाट लग गई। तो अब जब लॉयड जैसा भी रिवाइव पूरा कर चुका है, 4th-5th नंबर उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में हासिल कर लिया। कल वो भी अपडेट आया था वोल्टास का, मैं पढ़ रहा हूं, चेक कर रहा हूं, 1997 में लिस्टिंग हुई थी वोल्टास, 97 में, हां तब से लेकर आज तक इस तरह का अप्रैल परफॉर्मेंस नहीं हुआ बिक्री के लिहाज से वोल्टास का, इस तरह का परफॉर्मेंस है वोल्टास का। तो देख लो ये सारे एसी वाले, मुझे लगता है जब एसी इतने आप लोग चला रहे हो तो बिजली भी खर्च करोगे। हाँ तो आईएक्स ने बोला 14% हमारा वो तो कल पावर स्टॉक देखा था आपने, तूफानी तेजी, आरईसी के रिजल्ट के बाद तो पंख लग गए सबके। हालांकि आईएक्स अब मेरे को लगता है बढ़ेगा इन सबका, 14-14.5% उसने भी कहा अप्रैल में हमारी वॉल्यूम बढ़ेगी। पावर मेरी बहुत फेवरेट 10 साल की थीम है, इतना कंजम्पशन बढ़ेगा भारत में कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो रेगुलेटेड है उसके बावजूद, उसके बाद कर ही रहे स्टॉक का, देखो ना सारे स्टॉक्स कल पावर के, चाहे वो पावर फाइनेंशियल वो भी चल रहा है, तो प्रोड्यूसर और आपका कोल इंडिया, बाद जो इन्होंने सी चेंज कर दिया ना पूरा पावर एज अ सेक्टर में। एक लेकिन थ्रेट है, आपको याद होगा अपन लोग स्टेट्स बकाया, स्टेट्स बकाया एक ही चीज उदाली रोते थे, स्टेट से बकाया याद है आपको, अब वो खत्म, कैसे हाँ कैसा सी चेंज हुआ है, स्टेट वाला खत्म है, कंपनी का जो पीएलएफ था एड्रेस कर लिए, कितनी वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स से, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट मीटर्स से, बट एक ही बस चैलेंज है इसमें जो भविष्य में आएगा, आज नहीं आएगा, जब जब ईएसजी थोड़ा टाइट होगा ना तो आप अभी अभी भी कन्वेंशन को लो बहुत फोकस, धीरे धीरे ट्रांजिशन सब कर ही रहे हैं, अनाउंसमेंट तो आ ही रहे हैं, सबके रिन्यूएबल आर्म्स तगड़े होते ही चले जा रहे हैं, मतलब हम तो इन्वेस्टमेंट आइडिया चुनने के समय तो हम अहेड तक कर भी हैं, नहीं अभी बहुत काम करना पड़ेगा, इंडिया का मैक्सिमम अभी भी कन्वेंशनल है, जितना कोयला वोयला निकाल निकाल के सब खत्म खर्च कर डालो सब। ओके तो ब्लू स्टार गया, पावर से कहां कहां एसी से पावर में पहुंच गया। तीसरा यस बैंक है, इसमें एक ब्लॉक होने की आज संभावना है, सूत्र बता रहे हैं ऐसे कि कार्लाइल अपना माल बेचेगा 1500 करोड़ रुपए का, 8.74% स्टेक उनके पास, तो इसको रडार पर रखिए, देखिए कैसा रिएक्शन होता है इसमें। तो ये तीन हो गए मेरे भी, ये रेड में रह गए यस बैंक। अच्छा अगला मैंने रखा है, अभी एक नतीजा और रह गया, 4 नतीजे रखे थे मैंने, JBM ऑटो, वो जो बसेस वगैरह बनाती है सिटी लाइट वगैरह, और